बात करेंगे जंगल क्रूज मूवी की, तो ओवरऑल है 2 आवर 7 मिनट की, और हालांकि 1 आवर 56 मिनट में ये मूवी खत्म हो जाती है, और ये आपको सिर्फ इंग्लिश में देखने को मिलेगी। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये मूवी नेक्स्ट मंथ हमारे इंडिया में थिएटर्स में रिलीज होगी। मैं मुंबई में रहता तो यहाँ पर तो ये मूवी देखने को नहीं मिलेगी, बट आप इंडिया के जो दूसरे स्टेट्स में रहते हो तो वहां पर डेफिनेटली आप देख सकते हो। और नवम्बर 12 को ये Disney+ Hotstar पर भी रिलीज हो जाएगी। खैर इस मूवी की अगर प्लॉट की बात करें तो कहानी फोकस करती है एक ऐसे सेक्रेट ट्री पर जिसके अंदर कुछ सुपर नेचुरल पावर्स है। इस ट्री की हेल्प से हम बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर सकते हो, साथ साथ बड़े से बड़े श्राप यानी कि कर्स को काट सकते हैं। अब ऐसे में डॉक्टर लिली हक्सटन को किसी भी तरह से इस सेक्रेट ट्री के बारे में पता लगाना, तो इसलिए वो अपने भाई को लेकर अमेजोन चले जाती है। लेकिन अमेजोन जाने के बाद उसको एक ऐसे कैप्टन, एक ऐसे स्कीपर की जरूरत है जो उसे उस सेक्रेट ट्री तक लेके जाए। तो ऐसे में उसकी मुलाकात होती है फ्रैंक यानी कि ड्वेन जॉनसन से। फिर उसके बाद वो लोग कैसे इस एडवेंचरस सफर पे निकलते हैं, फिर रास्ते में क्या कुछ चीजें होती है इनके साथ, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। देखो इस मूवी के लिए तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि हॉलीवुड वालों ने बहुत सारी ऐसी एडवेंचरस मूवी बनाई है, जैसे कि सेंटर टू द अर्थ, इंडियाना जोन्स, पायरेट ऑफ द कैरेबियन, द मम्मी वगैरह वगैरह। तो जब आप लोग ये पर्टिकुलर मूवी देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं से सिमिलैरिटी फील होती है, और ऑब्वियसली वो फील होगी क्योंकि यार इतनी मूवीज बन चुकी है कि आने वाले अगर 10 सालों तक और भी अगर एडवेंचर पे मूवी बनेगी तो आप लोग बोलोगे यार ये चीज तो हमने उस मूवी में भी देखा था, वो चीज तो हमने उस मूवी में भी देखा था। तो ये जो आप लोगों की शिकायत है ना, वो शिकायत कभी खत्म होने वाली है नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मूवी हम लोग नहीं देखेंगे। भाई बेवकूफ हो गए तुम लोग जो इस मूवी को मिस करोगे, क्योंकि स्टार्ट से लेकर एंड तक ये मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है। ये आपको फन देती है, आपको थ्रिल देती है, आपको अलग अलग एनिमल्स दिखाती है, आपको गजब के CGI दिखाती है, जो मतलब आप लोग क्या ही बोलोगे। मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करो तो देखो यहाँ पर ज्यादा कैरेक्टर्स है नहीं, लेकिन जितने भी उनको बहुत अच्छी तरह से लिखा। सिनेमेटोग्राफी की बात करेंगे तो देखो मूवी में 60-70% सिर्फ और CGI डाला है, लेकिन उसको इतना नीटली किया है कि भाई किसी का बाप नहीं बता सकता कि यहाँ पर कौन सी चीजें रियल है कौन सी CGI है। इवन जो जितने भी एनिमल्स थे ना वो सारे CGI से बनाए गए, लेकिन इतना परफेक्ट बनाया ना कि मैं क्या ही बोलूं भाई। और CGI के मामले में तो ये वन ऑफ दी बेस्ट हॉलीवुड मूवी होगी 2021 की, और मैंने इसको अपने घर के बड़े TV में देखा है। तो सोचो जब मैं इसको थिएटर्स में जाके देखूंगा तो क्या अंगार मुतेंगी भाई ये मूवी। इस पर्टिकुलर मूवी को अगर आप लोग मोबाइल में देख कर रिव्यू दोगे या इस मूवी के बारे में बुरा भला बोलोगे तो वो जस्टिस नहीं होगा। ये मूवी एक बड़े स्क्रीन के लिए बनाई गई है और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाई गई है। BGM आहा क्या गूज़बम्स आते हैं भाई, और इस तरह एडवेंचरस मूवी में जो BGM होता है ना वो आपको फील होता है फर्स्ट सीन से ही, मतलब आपको लगता है कि यार आहा इसी चीज का तो हम लोग वेट कर रहे थे, और वो BGM से वो सीन कहीं से कहीं पहुंच जाता है। और यहाँ पर वो चीज होती है मूवी में, आपको काफी जगह पे कॉमेडी देखने मिलेगी, काफी जगह पे ऐसी चीजें देखने मिलेगी जो मतलब सरप्राइज भी रहेगा और मतलब एक अलग ही फीलिंग होती है, मजा आ जाता है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो ड्वेन जॉनसन के लिए एक ही चीज बोलूंगा कि उसको आप फनी रोल दो या सीरियस रोल दो, भाई बंदा हर एक चीज में परफेक्टली फिट हो जाता है। और यहाँ पर भी उन्होंने अपने कैरेक्टर को इतना लवेबल वे में निभाया कि जब आप लोग स्क्रीन पर फ्रैंक को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा हाँ यार ये कोई वाकई में किसी बोट का कैप्टन है, आपको ऐसा लगता है नहीं कि हम ड्वेन जॉनसन को देख रहे। एमिली ब्लंट कमाल का परफॉर्मेंस किया है एज डॉक्टर लिली हक्सटन, मजा आ गया। मतलब उनका परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत इंडियाना जोन्स टाइप लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हिस्से को बहुत अच्छी तरह से निभाया। और केमिस्ट्री की बात करूं तो ड्वेन जॉनसन और एमिली ब्लंट इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत गजब की है, लेकिन दो बोलेंगे तो बेमानी होगा, यहाँ पर 3 यानी कि जैक व्हाइट हॉल का भी नाम लेना पड़ेगा। इन तीनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत ही शानदार है, जब जब ये लोग स्क्रीन पर होते हैं ना बस आप इनको ही देखोगे। अगर मूवी का डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये चीज मैं आपको बता दूं कि ये वही डायरेक्टर है जो आगे चल के ड्वेन जॉनसन की ब्लैक एडम मूवी को भी डायरेक्ट करे, और पर्सनली मैं तो इनकी पहले भी डायरेक्टोरियल मूवीज देख चुका हूँ तो मेरे लिए कुछ नया नहीं था, लेकिन इस पर्टिकुलर मूवी को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह डायरेक्ट किया है। एडिटिंग इस मूवी की अच्छी है, मतलब 1 घंटे 56 मिनट ठीक है, लेकिन ठीक है चल जाता है, मतलब बीच में कहीं बोर तो हुआ नहीं। लेकिन फिर कुछ लोगों को ये भी मूवी बड़ी लगती तो शायद इस मूवी के 10 मिनट एडिट कर सकते थे, आप इससे ज्यादा मत बोलना, क्योंकि मूवी एकदम कट टू कट बराबर परफेक्ट बनाई गई है, कहीं पर भी ड्रैग नहीं होती है। अब बात करें इस मूवी की कुछ नेगेटिविटी की, तो जो इसका विलेन का जो कैरेक्टर है ना, आप कह सकते हो विलेन की एक टीम है, उस टीम को ज्यादा यहाँ पर नहीं बताया, मतलब उनको उसका स्क्रीन टाइम इतना दिया नहीं है। इस मूवी में विलेन को सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप यूज किया, मतलब जब जरूरत पड़ी तब बता दिया फिर भगा दिया,
वो सिनेमा। लेकिन अगर ड्वेन जॉनसन की आप लोग पिछली एडवेंचरस मूवी जैसे जुमानजी पर देखो, तो जुमानजी के भी जो विलन्स थे ना वो कुछ खास रोल प्ले नहीं कर रहे थे। तो कुछ यहाँ पर भी वही चीज फील होती कि विलन तगड़े नहीं थे या उनके कैरेक्टर्स को उस तरह से नहीं लिखा था। खैर उसके अलावा मूवी में अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करो तो यस, ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते हो। एक किसिंग सीन है वो भी एकदम एंड में है, जो कि हॉलीवुड की हर मूवीज में होता है, तो वो तो आप लोगों को पता ही है। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 7 out of 5। डेफिनेटली इट्स अ वॉचेबल मूवी। ये मूवी मैं थिएटर में भी जाके देखूंगा और अभी फिर से मैं देखने वाला हूँ, मुझे सच में अच्छी लगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चल जाए। मुझे नहीं पता है वीडियो कितने लोग देखेंगे, जितने लोग भी देखेंगे आप लोग आपका ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करना कि ये मूवी देखते रहना आपको क्या कुछ चीजें फील हुई। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।